तुमने क्या पहना हुआ है मैक्स? मेरा बलून बॉल यूनिफॉर्म, ड्रैगन्स की रक्षा के लिए उनके स्केल्स होते हैं। मेरे पास ये है। अगर इतना कुछ पहनोगे तो तुम बलून को कभी मार नहीं सकोगे। जरूर मार सकूंगा। ओह! मैं चाहूं, दिल से मैं ये चाहूं, ड्रैगन्स के संग उड़कर दूर दूर चली जाऊं। मैक्स, एनी, हमारे साथ बलून बॉल खेलने आओ जल्दी। अच्छा, तुम्हारे पास आ रहा है, पकड़ लो। मुझे इन पंखों से नफरत है। वो कौन थी? उसका नाम प्रिसिला है। जब कोई उसके पंखों को देखता है तब उसे शर्म आती है। क्यों? क्योंकि वो वो कुछ अलग से हैं। सो तो है। वो कितनी उदास लगती है। चलो हम उसका दिल बहलाते हैं। Hey, hi, Max. मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूँ। पेड़ क्या पीना पसंद करते हैं? नहीं जानते? रूट बियर, समझ गए? रूट बियर। ओह, मैं तो हंसते हंसते पागल हो जाऊंगा। मैं प्रिसिला को देखा है सेट? हाँ देखा है। वो दौड़ती हुई इस ट्री हाउस के अंदर गई है। थैंक्स, चलो। ये खुल नहीं रहा। प्रिसिला, चले जाओ। हम तो बस तुमसे बात करना चाहते हैं। शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। पहले दरवाजा तो खोलो। तुम्हारे पंखों को देखकर हम तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। जानती हूँ। बात यह है कि तुम्हारे पंख कितने प्यारे से छोटे छोटे हैं और मेरे पंख बड़े और बदसूरत हैं। औरों से अलग होना कितना कितना मुश्किल है। अलग होना बुरा तो नहीं होता। हाँ, हम सब में कुछ न कुछ अलग होता ही है। मेरी हंसी सुनो। है ना सबसे अलग। और इसी से तो वीजी वीजी बनती है। और साथ साथ वो और भी कई चुड़ाने वाली बातें करती है, जैसे कि गंदगी फैलाना, शोर मचाना और ये कहना कि ठीक है, बस करो जैक। मैं भी अलग हूँ। मेरा बेली बटन बाहर निकलता है और एमी का अंदर जाता है। हाँ, और मेरे और मैक्स के पास तो पंख भी नहीं है और पूछ भी नहीं है। देखा प्रिसिला, अलग होने का मतलब ये नहीं कि तुम अच्छी नहीं हो, सिर्फ ये कि तुम अलग हो बाकी सब की तरह। थैंक्स, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। मुझे खुशी है तुम सब मेरे दोस्त हो। ये कैसी आवाज थी? ये तो बादल के गरजने की आवाज थी। कपड़े सुखाने वाली रस्सी हूँ क्या? ये सब क्या हो रहा है सिड? मंगस द जायंट आज सुबह से ही छींकता ही जा रहा है। अच्छा, तो इसे बादल गरजना कहते हैं। और हर बार जब मंगस छींकता है उसके महल से कुछ उड़ता हुआ बाहर आ जाता है। किसी को वहाँ जाकर उसका छींकना बंद करना होगा, नहीं तो जरूर कुछ न कुछ टूट सकता है। हो सकता है एक पेड़ ही गिर जाए। hey, हम ऊपर जाकर मंगस की मदद क्यों नहीं करते और उसकी एक छींक से वापस ड्रैगन लैंड पर जा गिरे? हैं? नहीं शुक्रिया। वीजी ठीक कह रही है,
हमें उस बेचारे जायंट की मदद करनी चाहिए। जरूर, हमें वहाँ ले चलो सेठ। जैसी तुम्हारी मर्जी, बैठ जाओ। ऊपरी मंजिल आछू डिपार्टमेंट। Rise and Shine continues on Cartoon Network. Don't go away. Work. मंगस का महल कहाँ है? वहाँ पर। खटखटाते हैं। शायद मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं मंगस की मदद करना चाहती हूँ, पर वो मेरे पंख देखकर हंसने लगा तो। मंगस नहीं हंसेगा, वो एक अच्छा जायंट है। मेरा चश्मा कहाँ है? अक्सर अच्छा ही होता है। अच्छा। मंगस? कौन? कौन है वहाँ? हम हैं, यहाँ नीचे। कैसे हो मेरे नन्हे दोस्तों? हमने तुम्हें चीखते हुए सुना, और वो भी इतनी दूर तक। हमें लगा तुम्हें मदद चाहिए। हाँ शुक्रिया, मदद तो चाहिए मुझे, पर सबसे पहले मुझे मेरा चश्मा ढूंढना है। जब से मैं ढूंढने लगा हूँ, बंद ही नहीं हो रही है मेरी। अच्छा ठीक है, तुम्हारा चश्मा ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यहाँ नीचे से उन्हें ढूंढना और भी आसान होगा। ओह, तुम सब कितने अच्छे हो। मैं यहाँ पर देखती हूँ। हम भी वहाँ देखते हैं। और मैं यहाँ देखता हूँ। मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे देखने दो। जरा वो पंख तो देखो। मैं घर जा रही हूँ। रुको प्रिसिला। मंगस तो बस हैरान हो गया था। मैं तो मदद करना चाहती हूँ। हे, मैं समझ गई हूँ कि वो इतना छींक क्यों रहा है। इतनी धूल जो है। ए ओ, तुमने इस जगह को आखिरी बार कब साफ किया था मंगस? मतलब मुझे इस जगह को साफ करना चाहिए? मुझे तो ठीक ही लग रही है। हो सकता है अगर हम इस घर को साफ करने में मंगस की मदद करें तो उसका छींकना बंद हो जाए। हमारी मदद करोगी ना? ओके। साफ करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही सही चीज है। जैकी! जैकी! क्या बात है वीजी? तुम्हारे छोटे से झाड़ू के साथ इस महल की सफाई करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। वीजी ने ठीक कहा, हमें धूल निकालने के लिए दूसरा तरीका सोचना होगा। मैं जानता हूँ। क्या तुम हमें अपने मोजे दोगे मंगस? क्यों नहीं। अब हम ये मोजे पहनकर पूरे कमरे में दौड़ते हैं और धूल निकल जाएगी। ऐसा ही करते हैं, इसे काम हो जाएगा। मुझे तो ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। घबराओ मत, हमारा काम हो जाएगा। रेडी सेट गो। बात कुछ बनी नहीं। ऐसे तो हम घर को कभी भी साफ नहीं कर पाएंगे। जरूर कर पाएंगे। कैसे? हमें बस कुछ अलग करना है। कुछ अलग। अपना बड़ा सा डस्टपैन उठाओ मंगस, और मेरे साथ आओ। ओके। काम हो रहा है। ओ,
कामयाब हुए। घर साफ है। घर साफ है। और ये रहा तुम्हारा चश्मा। और सबसे अच्छी बात है, ठीक है बंद। तुम सबको मेरा शुक्रिया। शुक्रिया हमें नहीं, तुम्हें प्रिसिला को कहनी चाहिए। हाँ, तुम्हारे पंख न होते तो ये काम हो ही नहीं सकता था। मेरे पंख है ना बहुत ही अच्छे। मैंने कहा था ना, अलग होने का मतलब ये नहीं कि तुम बुरी हो, सिर्फ ये कि तुम अलग हो। मैं चाहूं इस कविता के संग अब घर पहुंच जाऊं, फिर मिलेंगे हम। बहुत मजा आया। हाँ मैक्स, एमी, खेलने के बाद सफाई करना मत भूल जाना। नहीं भूलेंगे डैड। अब और सफाई करें? चिंता मत करो मैक्स, मैं सफाई और खिलौने उठाने का काम दोनों एक साथ करने का रास्ता जानती हूँ। सॉक्स स्केटिंग, बढ़िया। शुरू हो गया ड्रैगन टेल, पीठ पर बैठ के ड्रैगन के आएगा मजा, अब देखो।